दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप शॉपी एप्लीकेशन में आप एटीएम कार्ड ऐड कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शॉपी एप्लीकेशन में अपना एटीएम कार्ड ऐड करना चाहते हो तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में शॉपी एप्लीकेशन ओपन करना है। शॉपी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे नीचे आपको जो है इस मी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट एंड कार्ड्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऐड न्यू कार्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है अपना कार्ड ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की ओर योर कार्ड डिटेल आर प्रोटेक्टेड। और इसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल में नेम ऑन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कार्ड पर आपका जो भी नेम है यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कार्ड पर जो भी नंबर है आपके आपको अपने कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद कार्ड टाइप में आपका कार्ड जिस भी तरह का है, वीज़ा कार्ड है, रुपए है, मास्टर कार्ड है, जिस भी तरह का आपका जो है कार्ड है यहाँ पर आपको जो अपने कार्ड का प्रकार आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो एक्सपायरी डेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके कार्ड पर जो भी एक्सपायरी डेट शो हो रही है यहाँ पर आपको अपनी एक्सपायरी डेट टाइप कर लेनी है। इसके बाद सीवीवी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके कार्ड पर जो भी सीवीवी यानी 3 डिजिट का जो है कोड रहता है एटीएम कार्ड के बैक साइड में रहता है यहाँ पर आपको जो अपना सीवीवी नंबर टाइप कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे की ओर सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो है कार्ड आपके शॉपी अकाउंट पर ऐड हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप शॉपी एप्लीकेशन पर आप जो है एटीएम कार्ड ऐड कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।